हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके में तड़का। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कच्चे मटर से बनने वाली कचौरी की रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, हरे मटर की कचौरी। और सबसे खास बात ये है कि मैंने इसे पीस कर नहीं बनाया है, मटर को बिना पीसे मैंने कचौरी बनाकर तैयार की है और बहुत ही कम टाइम में कचौरी बनकर तैयार होती है। तो देखते हैं हरे मटर की कचौरी को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कचौरी के लिए हम सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें मैं 100 ग्राम मैदा डाल दूंगी। इसके साथ ही इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। तो नमक हमें अभी जो हम डो तैयार करेंगे उसमें कम ही डालना है, क्योंकि हम आगे भी नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ मोयन देने के लिए इसे। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। तो मोयन देने से जो हमारी कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो आपको रेशियो ये रखना है मोयन का कि आपको 100 ग्राम मैदे में 2 टेबल स्पून मोयन देना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमें मिक्स कर देना है इसको। और एक अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो हम इसमें मोयन देंगे उसके लिए आप ये ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो मैदा है इसको इस तरीके से बंधना चाहिए। अगर ये बंध रहा है दैट मीन्स आपने जो मोयन डाला है या ऑयल डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथेंगे। तो बिल्कुल जरा जरा पानी डालकर इसे गूंथना है। तो इसका एकदम सख्त डो भी तैयार नहीं करना और एकदम बहुत ही ज्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का भी नहीं इसे रखना है। हल्का सा गीला हम तैयार करेंगे इसका डो। तो डो हमारा एकदम तैयार हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, इसको हमने इतना सॉफ्ट रखा है। इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। अब हम इसे ढककर रख देते हैं एक तरफ और अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मटर, जिसको मैंने छीलकर मटर के दाने निकाल लिए थे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काला नमक। 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है। 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। आधा चम्मच शक्कर के दाने, तो ये छोटे वाले शक्कर के दाने लिए हैं मैंने। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर भुने हुए सौंफ का पाउडर लिया था। तो आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं और इसे दरदरा भी पीस सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसे ले सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको धनिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल है, ज्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है। इसके साथ ही इसमें मैं 2 पिंच हींग के डालूंगी। हींग डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम इसमें अपने मटर के दाने डाल देंगे, स्वादानुसार नमक, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम पैन को एक ढक्कन की हेल्प से ढक देंगे, जिससे कि ये दाने थोड़ा सा नरम पड़ जाएं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। अब हम ढक्कन उठाकर चेक करेंगे तो ये इसमें काफी स्टीम बन रही है। थोड़ा सा हम मटर को उठाएंगे और देखेंगे, ये टूट जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़े नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। अब इसी स्टेज में हमें मटर को अच्छे से मैश करना है। तो एक मैशर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से आप अच्छे से मटर को मैश कर लीजिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको मटर को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो एकदम मटर हलवे टाइप की हो जाएगी और हल्का सा मोटी रहेगी, तो खाने में बाइट्स आएंगी मुंह में जो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए आपको मटर को पीसना भी नहीं है। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको ऑयल भी कम लगेगा कचौरी की फिलिंग बनाने में और टाइम भी बहुत कम लगेगा। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने सारी मटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, काला नमक, सौंफ, लाल मिर्च, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी हमें इसमें अभी ही डालना है, पहले नहीं डालना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अमचूर पाउडर और शक्कर।
अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे। और आप शक्कर डालना ना भूलें, शक्कर जरूर डालें। शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लगभग 5 मिनट तक भुनने देंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और मटर का कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, डो के मैंने सेम साइज के पेड़े कट कर लिए हैं और जो हमारी स्टफिंग है वो भी ठंडी हो गई है। अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। रोलिंग बोल लिया है, अब हम एक पेड़े को लेंगे और उसे हाथों की हेल्प से इस तरीके से गोल करेंगे। अब हम इसे उंगलियों की हेल्प से बड़ा करेंगे। आप चाहें तो इसे बेल कर भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हमें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है और इसकी जो थिकनेस है वो हमें इतनी रखनी है, एकदम पतला भी हम इसे नहीं बेलेंगे। अब हम इसमें जो हमारा थोड़ा सा मिक्सचर है उसको डालेंगे और इसे इस तरीके से हम पकड़ेंगे चारों तरफ से, जिससे कि हमारी कचौरी बीच से खुले ना। तो हमें इसे चारों तरफ से ऐसे मोड़ना है। ये देखिए आप, इस तरीके से हम इसे मोड़ देंगे और ऐसे अंगूठे और इस फिंगर की हेल्प से हम इसे दबाएंगे और इस तरीके से हमें इसे घुमाते जाना है और दबाते जाना है, जिससे हमारी कचौड़ी अच्छे से बंद हो जाएगी और तलते टाइम पे ये खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से आप इसे बना लें, ऊपर से थोड़ा सा दबा दें और जो एक्स्ट्रा जो भाग है आप उसको निकाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे बन जाएगी। तो आप इसे बेलन की हेल्प से भी बेल सकते हैं और ऐसे फिंगर से भी आप इसे बड़ा कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं बाकी कचौरियां भी बनाकर तैयार कर लूंगी। कचौरियों को हमने भरकर तैयार कर लिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इन्हें सेकते हैं। कचौरी सिकने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है लेकिन अभी हम इसे चेक करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें डो डाल के चेक करती हूँ। इसमें बबल्स उठने लगे हैं, मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कचौरियां डालना शुरू करेंगे। तो एक साथ हम पूरी कचौरियां नहीं डालेंगे, दो दो करके इन्हें सेकेंगे। एक साइड से हम कचौरी को लगभग 2 से 3 मिनट सेकने देंगे, इसके बाद ही इन्हें पलटेंगे। अभी एक तरफ से थोड़ा सिक चुकी हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। तो अब हम इन्हें फिर से पलट देंगे और पलट पलट के इन्हें सेकेंगे। तो ये नीचे से एक बार और सिक चुकी हैं, तो ऐसे ही हमें इन्हें पलटना है। ये हल्का सा फूल रही है, आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर साइड उठ रही है। तो हम ऐसे ही इन्हें पलट पलट कर सेकते रहेंगे। कचौरियां बढ़िया से सिक चुकी हैं, जो कलर हमें इनमें चाहिए था वो आ चुका है। अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई के साइड में थोड़ा सा होल्ड करेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम खस्ता। आई होप कि आपकी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाएं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो मैं इसे इमली की चटनी के साथ खाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।